तो जय हिंद नमस्कार साथियों, जीके जीएस मस्ती पर आपका स्वागत। आप लोग का अक्सर सवाल होता है कि ग्रुप बी पीईटी में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स ले जाना होगा ताकि आपके लिए थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना हो, आप आराम से रनिंग करके घर आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सारा चीज बात करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा है और दो यार जो अभी दिए हैं ग्रुप डी में, तो ये मेरा पीईटी है और देख सकते हैं रतलाम में आपका दिया, रतलाम मध्य प्रदेश। ठीक है, रेलवे फुटबॉल ग्राउंड नियर रेलवे कॉलोनी रतलाम मध्य प्रदेश में दिया, तो ऐसे भी हम नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा हो चुका है खड़गपुर ही जाएंगे आसपास 2-4-10 दिन में जो भी हो। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं एडमिट कार्ड का जो आपको ले जाना होगा। लेकिन आप अगर बेहतर तैयारी का प्रयास कर रहे हैं, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, आपके लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बुक में से एक है किरण पब्लिकेशन का, जो देखिए टीसीएस पर आधारित है, मैथमेटिक पूरा सॉल्व पेपर है, जितना भी आज तक 2022 तक क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए तो यहाँ भी देख सकते हैं पूरा सॉल्व पेपर है, मैथ है, रीजनिंग है, सारा पेपर है। ठीक है, और अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्स्टेबल का भी यहाँ पर अभी सेट चल रहा है। चलिए चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं ये रीजनिंग का भी बुक है, तो आप लोग एक बार बना करके देखिए, बहुत मजा आने वाला है। चलिए आपको क्या क्या ले जाना होगा, चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए 4 नंबर पैराग्राफ पढ़िए, आपको सारा चीज देखिए। सबसे पहले इसको जरूर पढ़िएगा, पुरुष उम्मीदवार को 35 kg 100 मीटर चलना है 2 मिनट के अंदर, किसी का था माथा पर ले जाइए चाहे कान्हा पर ले जाइए, हमेशा जमीन से ऊपर रहना चाहिए। कितना लोग ऐसे करके ले जाता, ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए माथा या कान्हा पर ज्यादा बेटर रहता है, अपना चाल से चलिएगा। ठीक है, और 1 किलोमीटर दौड़ना 4 मिनट 15 सेकंड में अगर मेल है तो, फीमेल है तो 20 kg 100 मीटर 2 मिनट में और 1 किलोमीटर 5 मिनट 40 सेकंड में। टारगेट होना चाहिए 5 मिनट के अंदर मार दें, इनका टारगेट होना चाहिए 4 मिनट के अंदर मार दें, लेकिन 4 मिनट 15 सेकंड तक मारते हैं तो आप बेहतर है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना होगा। 4 नंबर पैराग्राफ पढ़िए, बोल रहा उम्मीदवार को अपना वैध फोटो, ठीक है, वैध फोटो पत्र लाना होगा, और चाहे आपका चाहे वोटर आईडी कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ई आधार का प्रिंटिंग आउट हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, चाहे कुछ भी हो, यानी कि एक ओरिजिनल पहचान पत्र ले जाना होगा। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल भी सबसे बेहतर होगा, या तो आप पैन कार्ड है या आधार कार्ड है, ये दोनों सबसे ज्यादा बेहतर होता है, उसमें भी आधार कार्ड आपका लिंक रहता है। ठीक है, तो चलिए उम्मीदवार को और भी सरकारी कर्मचारी हैं तो प्रिंट भौतिक रूप से देखिए, यहाँ पासपोर्ट आधार कार्ड 6 गो आपको ले जाना है फोटो। ठीक है, पीटी शामिल होते समय आपको कलर फोटो ले जाना है। ठीक है, और समय पर उम्मीदवार का प्रवेश, आप देखिए यहाँ पर अगर बात कीजिएगा तो देखिए यहीं पर आपको फोटो दे दिया, इसीलिए वहां पर मांगता, आप इसके लिए ही ले जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए और भी 1-2 गो फोटो ले लीजिएगा, बेहतर होता है। चलिए बात करेंगे तो पीटी स्थल पर सक्षम बायोमेट्रिक होगा, इसीलिए आधार कार्ड आप जरूर ले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए और भी बहुत सारा चीज है, लेकिन आपके लिए काम करना है, बस आपको ये मतलब पूरा करना है, पढ़ लेना एक बार तो ज्यादा बेहतर होता है। तो ये मेरा देख सकते हैं, और इसके बाद आपका सेल्फ डिक्लेरेशन में देख सकते हैं, यहाँ पर ये चीज भरना होगा, कैंडिडेट नाम है, कैंडिडेट रोल नंबर है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट दिया हुआ। ठीक है, तो वहां पर आपको करना होगा, यहाँ से करके नहीं जाना है। ठीक है, लेकिन ई वाला जब जाइएगा एडमिट कार्ड के साथ ही ले जाना होगा। ठीक, तो आपका प्रयास किए हैं कि आपका हर सवाल का जवाब मिल गया होगा। ठीक है, और कुछ छूट गया होगा तो लीजिए, अपने से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अपने से भी पढ़ सकते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और जिनका अभी तक पीटी का डेट नहीं आया, जैसा ही आएगा आप अपडेट रहिए चैनल पर, नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेहतर तरीका से आपको तुरंत अपडेट करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।